तुहाडा मेरे चैनल ते गार्डनिंग विद फन बेबी दे उपर स्वागत है। अज दी अपनी वीडियो होगी पीयर्स प्लांट जिहड़ा हुंदा गा नाशपती दा प्लांट हैगा ओदी आपां किस तरह केयर कर सकदे हांगे कि आपां पंजाब दे बठिंडे एरिए च लगा सकदे हां कि नहीं लगा सकदे गे ओदे बारे थोड़ा बहुत आपां जानकारी देवांगे। ते अज आपां पहुंचे हां विक्की के बाग विच जिथे आपां खड़े हांगे नाशपती दे प्लांट कोले जिथे कि बहुत सारी नाशपतियां लगियां भी होईयां तो काफ़ी सारा फ्रूट झड़ भी गया जिद नेरी आई सी। आ देखो ये सारा फ्रूट झड़िया हुआ है ठीक है तो यह नेरी करके झड़ गया काफ़ी फ्रूट झड़ जाता है कोई गल नहीं। चलो आप घर के खाने वास्ते ही तैयार की जाती हैगी बेचण वास्ते नहीं होंगी गी तो यह पूरे ऑरगैनिक तरीके तैयार की गई हैगी। इस कोई भी रेह स्प्रे नहीं यूज़ करते ये नॉर्मल पत्तियां की खाद यूज़ करते हैं तो जी अपनी गोबर खाद होंगी हैगी रूड़ी की खाद होंगी हैगी यूज़ करते हैं तो वेद ग्रोथ भी वधिया होंगी हैगी। तो यह 6-7 साल का प्लांट हो चुक है तो काफ़ी यदि वधिया ग्रोथ भी हो चुकी हैगी। तो हुण इहदे जिहड़ा फ्रूट हैगा सारा बहुत ज़्यादा फ्रूट पिया होगा आप देखते हैं फ्रूट जिवें इत्थे देखो ये नाशपती इत्थे बनी हुई हैगी ठीक है इधरले पासे काफ़ी फ्रूट पिया हुआ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐ करके उपर उपर तिकर ये सारा फ्रूट के नाल भरिया होगा काफ़ी फ्रूट विचों खत्म हो जाता खराब हो जाता गा। तो सोनू यदि कोई भी केयर करन दी ज़्यादा कोई जरूरत नहीं हैगी जो तुसीं इहदा प्लांट लगाओगे ठीक है तो पहला तो सब तो पता ही पहला वधिया प्लांट लैके आओ जिहड़ा पेंट किया हुआ प्लांट हुंदा वह ले आओ क्योंकि वह छेती फ्रूट देने लग जाता गा उस प्लांट प्लांट थोड़ा अपन महंगा तो पै जाता गा पर उसकी ग्रोथ भी वधिया होंदी हैगी। तो उन्होंने इस बूटे इस तरीके दे नाल लगाओ जिथे आसे पासे दरख्त लगे हो खेत में लाना या घर के लाना खुला एरिया होवे हवा क्रॉस करती होवे क्योंकि जिहड़े फ्रूट वाले ट्रीज़ हैगे एक तो उन्हां दी मिट्टी रिच चाहिए हैगी सॉइल वधिया चाहिए हैगी और चलो तुसीं खाद आप 15-15 दिनों बाद पा सकते हैं ठीक है रूड़ी की खाद पा सकते हैं होर आप लिक्विड फर्टिलाइजर जो तुम बना दसते होंगे वो सब तो बेस्ट हों फ्रूट वाले प्लांट्स के वास्ते क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो छेती छेती जड़ा को पहुँच जाएगा जड़ा जी अबजॉर्ब कर लेंदी तो अपना फ्रूट भी वधिया ग्रोथ करता गा। वो आप नैक्सट वीडियो में दिखाई देवे कि आप फ्रूट्स के लिए घर जो फ्रूट लगाने घरेलू फ्रूट लगाने जोड़े भी तुम्हें मैं फ्रूट दस रहा उन्हें सारे वास्ते एक फर्टिलाइजर बना दसूँगा वो आप खल पावे गुड़ पावे छिलके पावे पोटाशियम के लिए आप केले छिलके पावे एक अपने को बेल पत्र हों भी पोटाशियम इस तरह का हों बेल पत्र आपू भी यूज़ करा खाद बनाने वास्ते ऑरगैनिक वधिया फर्टिलाइजर तैयार करा जिमें फॉसफोरस नाइट्रोजन फॉसफोरस तो पोटाशियम चाहिए होंगे ना आप तिने चीज़ा एक फर्टिलाइजर तैयार करा वो थानू अगली वीडियो दसाँगे। हुण आप थोड़ा जिहा प्लांट नूं देखदे हांगे कि किस तरह यह प्लांट ग्रोथ करी जांदा गा तो इहनूं कोई ज़्यादा केयर की होर जरूरत तो है नहीं गी। तो ये देखो इत्थे भी फ्रूट लग्या होया गा उपर नूं जांदे जाओगे तो यह सारा प्लांट फ्रूट दे नाल भरिया होया गा ठीक है। आ देखो हरेक टाणी दे उपर फ्रूट बणिया गा तो जिहड़ा इहदा फ्रूट आ ना वह इन्हां दे जिहड़ियां नोट्स आईयां जिथों पत्ते निकलदे हैगे उत्थे उत्थे निकलदा गा देखो काफ़ी वधिया इहदी ग्रोथ हो रही हैगी। ते तोते खराब कर जांदे ज़्यादातर जिहड़ा फ्रूट हैगा ठीक है तो उहनां तों उहनां नूं केयर करनी पैंदी थोड़ी ज़्यादा कई फ्रूट विच्चों इस तरह सुक भी जांदा ब्लैक हो चुके जिवें ते इह भी एक नेचर दी कॉ इही हुंदा गा नेचर ही हुंदा गा कि जिहड़ी जिहड़ी जिहड़ा जिहड़ा फ्रूट हार्डी होऊगा वह स्ट्रगल कर जूगा वह तो बचा रह जाता गा तो बाकी सारा खराब हो जाता गा ठीक है। आ देखो जी मैं ये भी सुसरी वगैरह जी पई हुई हैगी ये तो चलो कुछ ज़्यादा इन्हों अफेक्ट नहीं करते है तो इन्हों के उपर आप छिड़का करने वास्ते एक देसी फर्टिलाइजर भी तैयार करते हैं लस्सी तो वह काफ़ी फायदेमंद हों क्योंकि वह ऑरगैनिक भी हों तो वो इन्हों पेस्ट कंट्रोल भी करता गा वधिया तरीके दे नाल ते अपना फ्रूट नू किसी भी मरे स्प्रे की लोड़ नहीं होंगी गी तो वो नाल फिर आपां नू कैंसर वगैरह के रोगों तो बच सकते हैं क्योंकि आप घर फ्रूट लगाने गे तो आप इस तरह लगाने गे ताकि आपां नू कोई सरेयां स्प्रेयां ना करनी पैन तो फिर ही आप वधिया तरीके नाल इहनू खा सकते हैं तो आप बीमारियों तो बच सकते हैं। तो इस प्लांट नू ज़्यादा तुसीं मलचिंग तरीके दे नाल केयर कर सकते जिवें आले दुआले दे पत्ते बिछा दो ठीक है ताकि इहदा जिहड़ा पानी है जिहड़ा उड्डे ना क्योंकि जिन्ना पानी उड्डेगा उन्ना बार बार पानी देने की लोड़ पाएगी तो जड़ा वगैरह सुक जांदियां हैगियां तुहानू बस 1-2 साल ही तो केयर करनी पवेगी उस तो बाद बस इन तुसीं फर्टिलाइजर ऐड करते जाना गा ये अपने आप ग्रोथ करता रहूगा फ्रूट दिंदा रहूगा तो होर थानू ज़्यादा यदि कोई केयर की लोड़ नहीं पैनी हैगी।
देखो ये सारा आप तुम्हें प्लान दिखा रहे हैं गे, सारे पासे फ्रूट पिया होगा जी। ठीक है, इस तरह तुसी तुहानू मैं इस बाग दे विच काफ़ी तरह के फ्रूट पहले भी दिखाए हुए है। ठीक है, उस तरह एक लकाठ का पेड़ है। ठीक है, आ लकाठ का लग्या होगा तो ये फ्रूट देखो पक चुका गा, यदा टेस्ट भी काफ़ी वधिया हुंदा गा। इतने बच्ची खड़ी है थले तो आ फ्रूट है लकाठ का। ठीक है, ये भी आप अलग वीडियो बना लेंगे केयर की, तो किस तरह की ग्रोथ करनी है, कितों प्लांट वगैरह मिलेगा वो तुहानू मैनशन कर देवे। तो ये भी काफ़ी वधिया फ्रूट वाला प्लांट हैगा, यूपी वगैरह साइड पर बाला ग्रोथ करते हैं इनू, तो यदी ग्रोथ भी वधिया होंगी हैगी, तो फ्रूट भी अपन टेस्टी मिलता गा। थोड़ी जी ये जिमें मैंगो का प्लांट हों उस तरह का होंगे गा। तो जो थानू वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, जो कोई भी जानकारी चाहिए हैगी इन प्लांट्स बारे नर्सरी बारे तो वह दस दौ सू, असू मैं कमेंट बॉक्स में दस दौ, तो असी दस देवे किड़े कितों मंगवा गा। ठीक है, जे तुहानू वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, सबसक्राइब करना।